पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूजा रावत। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत नजारों से। अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के लगभग 4:30 बजे से। तो जैसे कि आप लोगों को मेरी वीडियो देख के इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमारे गांव में कितनी एकता देखने को मिलती है। और आज भी हमारे गांव में एकता है, जो कि आजकल बहुत कम गांव में देखने को मिलती है एकता, क्योंकि आजकल लोग भी शहर के लोगों जैसे हो गए हैं, ना एक दूसरे के घर में जाते हैं, ना एक दूसरे से बात करते। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हमारे गाँव की महिला अपना टाइम पास शाम को कैसे करती है, क्योंकि आजकल तो कुछ काम काज है नहीं तो शाम को बैठे रहते हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको कहाँ बैठते हैं और क्या टाइम पास करते हैं। तो आज की वीडियो आप लोग पूरा देखना और पक्का पूरा देखना और लाइक भी करना मेरी वीडियो को। ये है, इसका मतलब ये होता है कि लड़के 12 पास है और लड़की आजकल BA पास है, तो वो चूल्हा चौका नहीं संभालेगी, वो भी जॉब करेगी। आजकल पहाड़ों में कुछ काम नहीं है तो ऐसे ही आधे लोग यहाँ शाम के टाइम पे बैठे रहते हैं और ऐसे ही चौफलो उफलो खेलते रहते हैं, और आधे लोग नीचे वाले चौक में रहते हैं और आधे इधर रहते हैं। तो ये देख सकते हो, इसका मतलब ये है कि हमारे गांव में इतनी एकता अभी भी है, मतलब ये एकता बहुत कम गांव में देखने को मिलती है। तो देख सकते हो आप इतने लोग, तो गाइस देख सकते हो आप हमारे गांव में इतने लोग हैं, वो भी ये आधे लोग हैं तो ऐसे बैठे रहते हैं हमारे गांव में। फूल पाड़ो
अपनी वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं पूजा रावत मिलती हूँ आप लोगों को फिर से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम पे व्यस्त रहे। ओके बाय।